वार्ता करते हुए कहा है कि भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलंदा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सुप्रिया समेत अमिताभ दुबे ने कहा कि 2014 के घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर काला धन वापस लाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आ गया। नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे, लेकिन मणिपुर में हिंसा जारी है जिस पर पीएम चुप्पी साधे हुए हैं। स्पेशल पैकेज में 100 से जिलों की गरीबी दूर करेंगे, लेकिन हंगर इंडेक्स के आंकड़े पोल खुलते हैं। 100 नई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन चीन सीमा पर स्मार्ट गांव बसा है। नरेंद्र मोदी के इन वादों से जनता उब चुकी है और बेहद आक्रोशित है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन असलियत है कि आज किसानों की आय घटी है, कर्ज दोगुना हुआ है। पीएम किसान योजना के तहत सभी किसान कवर होंगे, लेकिन यह सच है कि लाभार्थियों की संख्या 67% घटी है। 1 से 5 साल की अवधि वाले लोन पर 0% ब्याज देना होगा, लेकिन सच है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर 7% ब्याज देना पड़ रहा है। देश में सिंचाई का स्तर अधिकतम होगा। सच्चाई यह है कि देश में सिंचाई का स्तर केवल 52% है। अमित जीजू, दिल्ली समाचार 24। लेकिन 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, उसका पेज नंबर 5 पे एक वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना के काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए। मैं सिर्फ आपको 3-4 उदाहरण दूंगा, हमारे रिसर्च के जो चेयरमैन हैं वो उस पर ज्यादा खुलासा करेंगे। 6 पेज नंबर 6 पे क्या लिखा था कि जो गिरती हुई करेंसी है उसकी कीमत को सुधारेंगे। आज क्या हुआ? $83 पार हो गया। पेज नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब मणिपुर में तो साहब ना जा पाते हैं ना मणिपुर पे एक शब्द बोल पाते हैं। यह है हकीकत, यह है असलियत। पेज नंबर 15, 100 जिलों की स्पेशल पैकेज से गरीबी दूर करेंगे। हंगर इंडेक्स में आप आंकड़ा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी गरीबी दूर हुई। पेज नंबर 18, 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। हुआ क्या? चीन हमारे भीतर घुस के कुछ स्मार्ट विलेजेस बना के जा रहा, हमने नहीं स्मार्ट सिटीज बनाई। ऐसे कई जुमले, और हैरानी की बात है कि इनका जो अर्दली है, नंबर 2 है इस सरकार में और इनकी पार्टी में, अमित शाह, वो खुद कहता है कि ये जुमलेबाजी। किसी देश का प्रधानमंत्री के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी जुबान पर लोगों को भरोसा उठ जाए, उसको लोग झूठा कहने लग जाए। 2014 से 2019 के बीच में लोगों को भरोसा था इनके शब्द पर, इनकी जुबान पर। 19 के बाद लोगों को मनोरंजन होने लगा इनकी जुबान पर, लेकिन अब खीज होने लगी, गुस्सा आने लगा, रोष हो गया लोग। यह यात्रा नरेंद्र मोदी की, इस देश के प्रधानमंत्री की, यह बताती है कि 10 साल में क्या हाल बना दिया इस देश का, कि जो लोग इनको हीरो मानते थे, जो लोग इनकी बात सुनना चाहते थे, अब टीवी का चैनल बदल देते हैं, अब वो कार्टून शो देखने लग जाते हैं। उनको लगता है कि क्या फायदा। उत्तर प्रदेश से आती हूं, 55 से लेकर आज तक ट्रेन प्रेफर करती हूं किसी भी मोड ऑफ ट्रेवल में। हिंदुस्तान के लिए आप बुलेट ट्रेन 50 बना दीजिए, 3 की क्या बात करते हैं। लेकिन जो रेल पटरियों पर अभी चल रही है उनको तो सुरक्षित करिए, उनको तो टाइम से पहुंचाइए, उनको तो कैंसिल मत करिए। अरे रेल सबसे सस्ता साधन है जो हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग, हिंदुस्तान का निम्न मध्यम वर्ग यूज करता है, उसको तो सुरक्षित करिए। उसमें तो सेफली 8-8, 9-9, 10-10 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं, पटरियों से पलट जा रही हैं, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। असलियत यह है कि रेल का जितना कबाड़ा नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में किया, उससे ज्यादा कबाड़ा कभी नहीं हुआ है। असलियत यह है कि रेल इस देश को जोड़ती है, और वो जो लिंक तोड़ा है उन्होंने वो दुनिया में दिख रहा है। आज लखनऊ से दिल्ली आने के लिए, जहां पर ₹800 किराया होता था एसी का, 3,500 देना पड़ता है जो प्राइवेट ट्रेन चलाते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? कौन सा गरीब आदमी 3,500 में चल सकता है? उन रूट्स पर ट्रेन बढ़ा दीजिए। जब हमारी टीम बैठ के देखना चाह रही थी कि इनकी जो जुमलेबाजी है, इनके झूठे वादे, इनके जो घोषणा पत्र में डाले गए हैं, इनकी एक सूची बनाएं, इतनी लंबी लिस्ट आई
कि मुझे आपको बस गिन चुन के बताना पड़ेगा। तो हमने बस तीन क्षेत्रों में लिया है, कृषि, रोजगार और शिक्षा। इनके बारे में जो भी इनके वादे थे मैं आपको बताऊंगा और सच्चाई क्या है। तो जहां तक कि कृषि का सवाल है, दावा था किसान की आय दोगुनी करेंगे 2022 तक, और सच्चाई ये है कि उनकी आय घटी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। दोगुनी क्या हुई है? उनका कर्ज 2013 में 47,000 था प्रति किसान, और वर्तमान में 74,000 पहुंच गया है। तो उनकी उनका कर्ज दोगुना हुआ है। पीएम किसान टू कवर ऑल द फार्मर्स इन द कंट्री, दावा यह था। लाभार्थियों की सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि लाभार्थियों की संख्या 67% गिरी है। 2019 में लगभग 12 करोड़ थी और अब 4 करोड़ पहुंच गई है, और जो भूमिहीन मजदूर है वो तो इस योजना में कवर्ड है ही नहीं। एक और दावा था, शॉर्ट टर्म न्यू एग्रीकल्चर लोन्स 1,00,000 तक के, जो 1 से 5 साल का जिसका ड्यूरेशन है, उसका ब्याज 0% होगा। 0% लोन देने का वादा किया था। हकीकत, किसान क्रेडिट कार्ड में किसान को 7% देना पड़ रहा है। कहां 0, कहां 7। रियलाइज 100% इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, यानी कि सिंचाई पूरी की पूरी, जितनी सिंचाई देश में की जा सकती है की जाएगी, और हकीकत 52% की गई है। तो जो वादा किया था उसका आधा।